One more question. A body of mass 0.4 kg moving initially with a constant speed of 10 meter per second to the north is subjected to a constant force of 8 newtons subjected to the directed to the south for 30 seconds. Wow, बहुत कुछ है इसमें. Take this instant when the force is applied to be 0 is equal to 0. जब फोर्स लगी, देखो क्वेश्चन को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है. क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, इस डायरेक्शन में बॉडी जा रही थी. वेलोसिटी क्या दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है. किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, जब टाइम जीरो हमने अलार्म में स्टॉप वॉच में जब टाइम हमने जीरो सेट किया, बॉडी जा रही है, पता नहीं कितनी देर से जा रही है, हमें नहीं पता है. हमने अपना स्टॉप वॉच देखा, उसको रीसेट किया, जब उसमें टाइम जीरो था तब इसमें फोर्स लग गया. किधर कौन सा फोर्स लगा? नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है. बॉडी इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, देख रहे हो, बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, बॉडी सब जा रही थी. फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ, फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया. एंड फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या था? 8 न्यूटन्स. दोनों का डायरेक्शन उल्टा पुल्टा हो गया है फॉर 30 सेकेंड्स. ये फोर्स कितनी देर लगती रही? 30 सेकेंड्स तक लगती रही. ठीक है. नाउ नाउ द पोजिशन ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम टू बी एक्स इज इक्वल टू जीरो. जब हमने सेट किया स्टॉप वॉच में क्लॉक को जीरो, जब हमने स्टॉप वॉच में क्लॉक को जीरो सेट किया, उस समय डिस्टेंस को जीरो मानना है. उस समय डिस्टेंस भी जीरो था. उसके पहले क्या हो रहा था? टाइम जीरो के पहले क्या हो रहा था? बॉडी जो चल रही थी टाइम जीरो के पहले, बॉडी चल रही थी. अब देखो मैं अलग से इसके मोशन का डायग्राम बनाता हूं. टाइम जीरो के पहले भी बॉडी चल रही थी. बॉडी वॉज गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ. लेट्स सी लाइक दिस, देयर वॉज ए बॉडी हियर, इट वॉज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, जा रहा था. लेट्स से दिस, जा रही थी बॉडी, जा रही थी नॉर्थ की तरफ, इस तरह से जा रही है. यस, यहाँ पे मैं वेलोसिटी और टाइम कुछ नहीं बना रहा हूं. ये कौन समझो, पहले बॉडी कहीं से स्टार्ट हुई थी, ये नॉर्थ की तरफ जा रही थी, जिसका वेलोसिटी दिया हुआ है हमें 10 मीटर पर सेकेंड. बीच में कहीं पे हमने अलार्म स्टॉप वॉच में टाइम को जीरो सेट किया, कहीं पे बीच में किया, सेट किया जीरो. यहाँ पे क्या किया? टाइम इज इक्वल टू जीरो को सेट किया. यहाँ पे डिस्टेंस को भी ट्रिप कर दिया जीरो, स्पीडोमीटर में डिस्टेंस को जीरो ट्रिप कर दिया. अब पूछा गया है कि व्हाट इज द पोजीशन एट -5 सेकेंड. बाकी दोनों पे आता हूं बाद में, बट -5 सेकेंड पे डिस्टेंस क्या होगा? -5 पे बॉडी कहां रही होगी? बॉडी यहां से यहां जा रही थी, जा रही थी. -5 पे कहां? कहीं पीछे रही होगी. यहां पे -5 सेकेंड जब था, उस समय बॉडी कहीं यहां पे रही होगी. टी इज इक्वल टू -5 सेकेंड. -5 स्टॉप वॉच में नहीं होता है, ये हम लोग कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ मान लिया. t इक्वल टू -5 पे बॉडी यहां पे रही होगी. एंड -5 से 0 के बीच में, इस पूरे डिस्टेंस के बीच में वेलोसिटी कितना था? 10 मीटर पर सेकंड फिक्स था. फोर्स नहीं लग रही थी. कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन इज अप्लाइड एट टाइम t इक्वल टू 0. जब यहां पे टाइम 0 था, डिस्टेंस 0 था, तब फोर्स इज इक्वल टू स्टार्ट हुआ, फोर्स 8 न्यूटन. उसके बाद यहां से ऊपर की तरफ जब बॉडी जा रही है तब लगना स्टार्ट हुआ. तो -5 सेकेंड पे क्या था डिस्टेंस? At t is equal to -5, distance x क्या होगा? 10 × 5 का negative, that is equal to -50 meters पे body थी. Time -5 पे ये जो position था -50 meters था. ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो इसका ग्राफ बनाओगे तो अच्छे से समझ में आएगा. लेट्स से ग्राफ कुछ किस तरह का बनेगा. ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, एंड ये बॉडी जीरो के पहले से भी चल रही थी. जीरो के पहले से भी ये बॉडी चल रही थी. टाइम -5 पे बॉडी का कुछ एक स्पीड था, कुछ एक स्पीड था. इन टाइम जीरो पे ये नीचे की तरफ भी आएगा. ये हम लोग पोजिशन टाइम ग्राफ अगर बनाते हैं, एक्स एंड टी का ग्राफ अगर बनाते हैं, तो टाइम जब जीरो था तब पोजीशन जीरो था. जीरो पे यहां पे टाइम जीरो था तो ये यहां पे था. जीरो के पहले क्या था? कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चल रही थी. कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चल रही थी मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा कुछ इस तरह का, है ना? स्लोप स्पीड के अकॉर्डिंगली स्लोप कुछ आ जाएगा. जीरो के पहले टाइम जब जीरो होता है उसके पहले कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी. जीरो के बाद क्या होता है?
फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, स्पीड ऊपर की तरफ है, स्पीड ऊपर की तरफ है, फोर्स नीचे की तरफ है, स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाएगा, स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ इस स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, एक्सेलरेशन लग गया तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, एंड देन कहीं पे जा करके, कहीं पे जा करके इसका स्पीड जीरो हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहीं पे जीरो हो जाएगा, स्पीड जो थी ये कम हो रही है, कम होते होते कहीं पे जीरो हो जाएगी, देन स्पीड नेगेटिव की तरफ घूम जाएगा, यू टर्न हो जाएगा, गाड़ी नीचे की तरफ आने लग जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, यस। तो अब इसी को हमें कैलकुलेट करना है, मैं इस पार्ट को अब इरेज करूं, लेट मी इरेज दिस पार्ट, यस। अब ये समझ चुके हैं, अब हमें क्या चाहिए, जीरो के बाद एक एक्सेलरेशन होगा, जीरो के बाद टाइम, जीरो के बाद एक एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स डिवाइड बाय मास एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, फोर्स हमें कितना दिया हुआ है 8 न्यूटन, मास कितना दिया हुआ है 0.4 kg, जो कि 80 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत हाई एक्सेलरेशन है, बहुत हाई एक्सेलरेशन है। तो रुकने में कितना देर आएगा, गाड़ी का स्पीड जीरो होने में कितना समय लगेगा, V1 हम लोग को दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, V2 अगर जीरो करना है, जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा, हम लोग निकाल सकते हैं V2 इज इक्वल टू V1 प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यहां से टाइम निकाल सकते हैं, बट हम लोग को वैसी कोई जरूरत नहीं है, यस, अप टू 30 सेकेंड्स तक फोर्स काम कर रहा है, मैं यही खोज रहा था, 30 सेकेंड्स तक फोर्स काम कर रहा था, है ना, 30 सेकेंड्स तक फोर्स काम कर रहा था, 30 सेकेंड्स तक बॉडी की स्पीड चेंज होती रहेगी, तो अप टू 30 सेकेंड्स, 0 to 30 सेकेंड्स के बीच में क्या होगा, 0 to 30 सेकेंड्स के बीच में क्या होगा, क्या होगा, वेलोसिटी जो है V1, इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन जो हमने निकाला है वही रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो हमें 25 सेकेंड पे हमें निकालना है डिस्टेंस, तो आराम से निकल सकता है ना सेकेंड इक्वेशन से, एक्स इज इक्वल टू V1 इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, यहां से आराम से निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा 10 into 25 minus 1 by 2 into 20 into 25 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 250 minus 10, 6250, दैट इज इक्वल टू -6000 meters, टाइम 25 पे ऐसा होगा। अब सेकेंड पार्ट भी है इक्वेशन का, थर्ड पार्ट भी, 100 सेकेंड पे डिस्टेंस निकालना है, 100 सेकेंड पे डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो अप टू 30 सेकेंड्स तक, तो 0 से 30 सेकेंड तक तो एक्सेलरेशन है हम लोग का -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, तो 30 सेकेंड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 into 30 minus 1 by 2 into 20 into 900, 10 300 minus 9000 इज इक्वल टू -8700 मीटर। उसके बाद 30 से 100 सेकेंड के बीच में क्या होगा, क्या होगा, वेलोसिटी निकालनी होगी, वेलोसिटी पहले निकालनी होगी, V2 इज इक्वल टू V1 माइनस एक्सेलरेशन इंटू टाइम, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 20 इंटू 300 सॉरी, एक्सेलरेशन इज 20, टाइम इज 30, यस 20 इंटू 30, 10 माइनस 600 इज इक्वल टू 590 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 से 100 की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सेलरेशन अब जीरो हो चुका है,
तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 590 × 70 सेकेंड्स तक इस स्पीड से चलेगा। 00341300 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 0 से 30 का ये डिस्टेंस है, ये नेगेटिव भी आएगा यहाँ पे, 0 से 30 का ये है एंड 30 से 100 का इतना है, तो इन दोनों को ऐड करना होगा। डिस्टेंस एट टी इज इक्वल टू 100 सेकेंड इज इक्वल टू -8700 -41300, दैट इज इक्वल टू -0000 05, -50,000 मीटर्स, दैट इज इक्वल टू -50 किलोमीटर्स। ओके ओके।